सौ का नोट मान लीजिए जी, उसको गिन नहीं सकते हैं? गिनने से मतलब जैसे लोग ऐसे गिन देते हैं, हाँ। ऐसे ऐसे गिन देते हैं, वो हर नोट को थूक लगा के ऐसे करते, एक दो तीन। हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल फिर नए एक एपिसोड के साथ आप लोगों से जुड़ने जा रहा हूँ। आज जिस गेस्ट की हम बात करेंगे, आज यूपी उत्तर प्रदेश के बहुत ही बड़ा चेहरा रहे हैं माननीय बाऊजी श्री कल्याण सिंह जी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे एटा से सांसद हैं श्री राजू भैया जी का मैं स्वागत करूंगा अपने शो में। सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज बात करेंगे हम सर से, सर की पर्सनल लाइफ की, बैक स्टोरी की, और कुछ बाऊजी के साथ सर की जो यादें रही हैं उन पर हम सर से बात करेंगे। आइए चलते बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाय सर, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। धन्यवाद। और आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया जी। सर, बेसिकली हमारा चैनल राजनीतिक जीवन, जो आपका राय है, जिससे युवा राजनीति में आ रहे हैं उन्हें एक थोड़ा सा एक प्रेरित मिलेगी, दिशा मिलेगी, तो उसी पे हम बात करेंगे। तो सर, आपका बचपन, एक राजनीतिक परिवार में आप पले बड़े हैं, तो सर आपका बचपन कितना आपके लिए प्रेरणाशील रहा और आपने क्या क्या अपने बचपन में किया, हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी बैकग्राउंड हमेशा गाँव की रही है जी, और मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आया हूँ जी। बाबू जी माननीय कल्याण सिंह जी जी ने समय कम दे पाए हमें जी, चूंकि पार्टी में पार्टी को मजबूत करने के लिए जी, जितना समय वहाँ दिया हमें नहीं मिल पाया, और हमें कोई शिकायत भी नहीं है इसलिए कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, और उसमें से भी खास तौर से चाहे व्यवसायिक हो, चाहे पॉलिटिक्स लाइन में हो जी। और युवा जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक अच्छी राजनीति की एक नर्सरी जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, इसलिए युवाओं को भी आगे आना चाहिए। सर, पर आजकल हम देखते हैं जो युवा है पढ़ने लिखने के बाद वो राजनीति से तो दूर जा रहा है, मगर बिजनेस करवा लो, बिजनेस में अच्छा आता है, स्टार्टअप करवा लो, जॉब करवा लो, मगर उनसे बात की जाए राजनीति की तो राजनीतिक मुद्दों पे वो राजनीति का पार्टी नहीं बनना चाहता, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए मेरा मानना ऐसा नहीं है, युवा जिस दिशा में भी जाता है उधर क्रांति कर देता है जी, चाहे सर्विस का मामला हो जी, जितने भी युवा हैं, जितने भी अधिकारी हैं, एक अच्छा काम करने की और ईमानदारी से काम करने की क्षमता रखते हैं जी, और जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ भी अपने व्यवसाय को अपनी योग्यता के आधार पर बहुत आगे तक ले जाने का काम करते हैं। और अभी आप पॉलिटिक्स में देखेंगे कि जितने भी युवा राजनीति में हैं जी, वो चमकते हुए सितारे हैं जी, उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी योग्यता, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन जो राजनीति में बहुत काम आती है। कई लोग मंत्रिमंडल में भी हैं, सांसद भी हैं जी, उनको उठा के देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। सर, आपका जो कॉलेज टाइम रहा, आपने लॉ करी, तो सर कभी आप कॉलेज टाइम में, क्योंकि आप तो राजनीतिक परिवार से थे, तो उस टाइम पे सर रुचि थी राजनीति में या उस टाइम से दूर, राजनीति से थोड़ा दूर रहना पसंद? देखिए, राजनीति से दूर रहते थे कि चूँकि उस समय हम लोग स्टडी करते थे जी, मैंने लॉ किया है जी, लॉ के बाद में मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ जी, और मेरा सबसे पहला चुनाव 2002 का था जी, मैं 2002 से राजनीति में सक्रिय हूँ जी, और 98 से मेरी पॉलिटिक्स में आने की एक रास्ता खुला था, चुनाव में काम करने का, प्रचार प्रसार करने का, लेटर लिखने का, ऐड करने का, दीवारें लिखने का, उस समय तो बहुत दूसरा जमाना था, पोस्टर भी नहीं होते थे और हाँ वो भी नहीं होते थे, झंडे भी बड़े प्रिंटेड होते थे, हाथ से बनाते थे, एक स्टेंसिल होता था कालोची से, उसको दीवारों पर छापते थे, उसको हमने वहाँ से राजनीति शुरू किया है।
सर, ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और आपने वहाँ से अपना राजनीतिक स्तर बनाया आपका, तो सर ग्रामीण क्षेत्र के राजनीतिक मुद्दे किन पे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, वो क्या मुद्दे होते हैं, क्या लोगों की जरूरत होती है? देखिए, जरूरत आदमी की एक शिक्षा की होती है, स्कूल की होती है, बिजली की होती है, रोड्स की होती है, और उससे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको कानून व्यवस्था कैसी है जी। और कानून व्यवस्था अच्छी है और आम आदमी के काम टाइम से होते रहें, ये सबसे बड़ा एक मानक होता है। और जब से मुख्यमंत्री जी योगी जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं मोदी जी, तब से तो हर क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। कहीं रोड ले लीजिएगा, शिक्षा ले लीजिएगा, व्यवसाय ले लीजिएगा, राजनीति ले लीजिएगा, और इतना सारा काम किया है, लड़कियों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, स्टैंड अप इंडिया किया है, मतलब इतनी सारी योजनाएं हैं कि मैं गिनाऊंगा तो शायद 6-7 घंटे लग जाएंगे जी। 160 योजनाएं ऐसी हैं प्रधानमंत्री जी की जी। और मुख्यमंत्री जी की, जिस पर जमीन पर काम हो रहा है। और यही कारण है कि सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, प्रदेश से और इस देश से सफाया हो चुका है इन लोगों का। और वो खाली जादू तो है ही, मोदी जी का भी, योगी जी का भी और पार्टी का भी जी। लेकिन जादू भी तब चलता है तब कोई करिश्मा होता है, और हमने करिश्मा इस देश में और इस प्रदेश में करके दिखा दिया। बिल्कुल सर, आपका बचपन एक राजनीतिक परिवार में आप बड़े हुए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा। तो मान्य बाबूजी कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं आप, तो सर मैं जानना चाहूँगा उनके साथ आपका पूरा बचपन, क्योंकि हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं जानना चाहूँगा सर ऐसी कोई घटना जो आपको प्रेरित करती है, बाबूजी की ऐसी कौन सी याद है जो उनकी बातें जो और भी युवाओं को जानने को मौका मिलना चाहिए, तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, बाबूजी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया है। पार्टी में जब होती थी तो युवा मोर्चा के अध्यक्ष की जब बात आती थी तो हमेशा वो ऐसे नाम लेते थे जिन्होंने प्रदेश में बहुत बड़ा संगठन का काम किया है। बाबूजी को जितने नज़दीकी से मैंने देखा है जी, क्योंकि मैं बचपन से जी जी बिल्कुल उनका सानिध्य मुझे मिला है जी, उन्हें हमेशा ईमानदारी, कर्मठता, लगन और किसी भी चीज़ को तय करना जी मैंने ऊँची सीखा है। सर कोई घटना हम सुनना चाहिए बाबूजी से जुड़ी हुई, उनके कोई जो अपने जीवन में फॉलो करते आए हैं, जैसे आपने एक संसद में एक बार वो बैल वाला जिक्र किया था कि उन्होंने बैल को ज़्यादा, मैं किसान परिवार से आने का एक बहुमूल्य आपने उदाहरण दिया था, सर हम सुनना चाहेंगे। देखिए ऐसा है जी, बहुत पहले से एक नारा दिया था, गांव गरीब किसान जी, झोंपड़ियों का इंसान जी, महिलाओं का सम्मान, बिल्कुल ये जो 5-6 नारे थे ये बाबूजी के दिए हुए थे जी। और आज पार्टी उन्हीं नारों को जमीन पर उतारने का काम कर रही है, बिल्कुल कार्यशैली में, कार्यशैली में भी, विकास के मामले में भी। उज्ज्वला गैस का मामला आया है प्रधानमंत्री जी का जी। उन महिलाओं का जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि उनके घर में कभी गैस भी आएगी, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी जी। आप ये मान के चलिए कि धुएं के कारण रोटी बनाने से बहुत महिलाओं की आंखों की रोशनी चली गई, बहुत महिलाओं की आंखें खराब हो गईं, और एक मोटा सा एक एग्जाम्पल दूं आपको जी, 600 बीड़ी अगर कोई आदमी पीता है जी, और महिला 2 टाइम खाना बनाती है धुएं में, बराबर 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 का नुकसान होता है उसमें, बहुत बड़ी समस्या आती है। 600 बीड़ी आदमी कितने दिन में पिएगा, लेकिन महिला सुबह और शाम खाना बनाएगी तो धुएं से होता उसको नुकसान होता, लंग्स को भी होता है। उसको समस्या का समाधान गरीब लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिल्कुल, किसान हमेशा कर्ज में दब के आत्महत्या क्या करते थे जी, मोदी जी ने दोगुनी कीमत हो और जो लागत है वो कम हो उसको ध्यान दिया है, और उसको ध्यान जाने से कीमत का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ 500 रुपये क्विंटल है तो 1000 रुपये क्विंटल हो जाए जी,
ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जिस जिस खेत में हम लोग लागत लगा रहे हैं 10,000 रुपये और हम मिट्टी की जांच करा के या और दूसरी फर्टिलाइजर लगा के उसमें कैल्शियम की कमी है कि पोटेशियम की कमी है कि किसी और की कमी है, जिम्सम की कमी है, वो जांच होने के बाद 10,000 की जो कीमत लगती थी हमारी फसल में वो 7,000 की लगे, 6,000 की लगे, तो किसान को 6,000 रुपये बचेगा, लागत डाउन हो जाए और उपज का दाम ऊपर मिल जाए तो ऐसे डबल होगा और हो रहा है इस समय वो गांव में सिंचाई की जहाँ तक मामला है जी। बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर आधी कर दी है जी, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि किसानों की बिजली माफ़ हो जाए जी। और किसानों को कहीं से कर्ज ना लेना पड़े इसके लिए 6,000 रुपये साल लगभग 15 करोड़ लोगों को मोदी सरकार दे रही है बहुत और बिना किसी रिश्वत के। पहले क्या होता था कि अगर 6,000 रुपये गए जी। तो किसान के हाथ में मुश्किल से 1,000 रुपये नहीं पहुंचते थे, 5,000 रुपये कमीशन में चले जाते थे। अभी आप देखते होंगे जब भी मोदी जी ऑनलाइन जब पैसा ड्रॉ करते हैं तो खातों में 10 सेकंड में 15 करोड़ लोगों के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। ऐसी बहुत सारी योजना है गांव के लिए है जी। इतना सारा पैसा दिया है आपका मनरेगा में, इतना पैसा दिया है कि जितना भी पैसा लगाना चाहो कोई कमी नहीं है। पहले क्या होता था अम्बेडकर गांव सेलेक्ट कर दिए, कभी प्रधानमंत्री के नाम से सेलेक्ट कर दिए, कभी लोहिया जी के नाम पर गांव सेलेक्ट कर दिए, तो उतने गांव जो सेलेक्ट होते थे उनमें तो काम होता था, बाकी कामों में नहीं कुछ होता। नहीं होता था। आज गांव में जाएंगे हर घर में आपको बाथरूम मिलेगा, हर गांव आपको पक्का मिलेगा, मनरेगा में आप 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000 भी खर्च करेंगे जी। पैसे की कोई कमी नहीं है, काफी जमीन इस तरह से जुड़ के काम किया, कोई कमी नहीं है। गांव की स्थिति अगर सुधरी है आजाद भारत में जी, तो 1947 के बाद इस 8 और 9 साल में सुधरी है। बच्चों के लिए पढ़ाई का मामला है, शिक्षा फ्री कर दी जी, खाना दे रहे हैं बच्चों को, जूते दे रहे हैं बच्चों को, बैग दे रहे हैं बच्चों को, बुक्स दे रहे हैं बच्चों को, जूते दे रहे हैं उनको, मोजे दे रहे हैं, स्कूल में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले तो कभी आजाद भारत में तो कभी ऐसा नहीं हुआ जो अभी मैं कह सकता हूँ कि 60 साल बराबर हमारे 8 साल बिल्कुल जो 60 साल में हुआ नहीं वो अब वो हमारी सरकार ने 8 साल में किया पूरा। क्राइम के मामले में देखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खराब था बिल्कुल, या तो बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे या तो तब हुआ था, तब ठीक था या अब हुआ है, वरना रात में निकलना उधर से बहुत दुश्वार था। ऑटो कोई बाबूजी की सरकार थी तो उन्होंने सब अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी जी, और उसमें ये कहा था जी कि कानून व्यवस्था मैं उस दिन सही मानूंगा कि कोई भी लड़की जी या कोई भी महिला जी रात को नाइट शो पिक्चर का 9 से 12 वाला जी नाइट शो देख के अकेली अपने घर तक पहुंच जाए तो ये मान लूंगा कानून व्यवस्था ठीक है उत्तर प्रदेश की, और करके दिखाया जी। कितने सारे एनकाउंटर हुए जी, बिल्कुल बदमाशों ने जो जेल में चले गए थे उन्होंने अपनी जमानत करना मुनासिब नहीं समझा, हम जेल में सुरक्षित हैं बाहर नहीं। बाबूजी ने कहा था या तो प्रदेश की सीमाएं छोड़ दो या फिर क्राइम छोड़ दो ना सीधे ऊपर ये बड़ा फेमस हुआ था जी जी, और हुआ ऐसा, बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, बहुत लोग जेल में निकले ही नहीं, इन्होंने जमानत कराई नहीं अपनी, और आज भी व्यवस्था वही है उत्तर प्रदेश की, बड़े बड़े माफिया बड़े बुलडोजर, और हमारे मुख्यमंत्री जी को तो बुलडोजर बाबा के नाम से बोलने लगे बाबा के नाम से। सर वो क्यों कहते हैं ऐसा ये देखिए, पिछली सरकारों में जो बाहुबली थे जी उन्होंने गरीबों की जमीन सरकार की जमीन घेर ली, बिल्डिंग बना ली या एग्रीकल्चर में यूज कर लिया जी, और उनके कब्जे में ही रही वो सब प्रॉपर्टियां छांट छांट के निकाली गई हैं और गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर कर लिया है, जिसमें बिल्डिंगें बन गई थी जी।
उसको खत्म कर दिया। आज भी एक ट्विन टावर का हुआ है, आज वो सुपर टेक में जो सुपर टेक में हुआ है, ये तो एक हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, वहां तो सरकार खुद ही कर रही है इस काम को। ये बड़ी उपलब्धि है हमारी, सही चीज के लिए आगे बढ़ाए बढ़ना। यस सर, आप वो मैं किस्सा तो आप सर आपने हमें बताया नहीं, वो बैलो वाला जो किस्सा था वो सर सुनना है और मैंने वो सुन नहीं पाया। देखिए मैं बताता हूँ जी, मेरे जो बाबा थे जी वो बहुत समाजसेवी थे जी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी जी, तो पहले जैसे किसी का खेत जोत रहा तो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं होते थे जी, दो बैल होते थे जी, तो उन्होंने हमेशा जो गरीब लोग होते थे गांव में जी, जी, जिनका कोई नहीं होता था, जिनका पैसा नहीं होता था जी, वो उनकी जमीनों को फ्री में जोतते थे निःशुल्क, और अगर किसी की शादी हो रही है और दहेज में उसने कहा कि मुझे 200 रुपये और चाहिए, 200 रुपये माने 20 लाख मान लीजिए अब, हाँ उस टाइम पे तो 20 लाख मान लीजिए, हाँ, आज के बराबर था, तो वो कैसे भी उसकी शादी खराब नहीं हो, वो दूसरों से कर्जा लेके उसकी शादी करवाते थे और 6-7 साल तक अपने खेत में से पैदा करके उसको ब्याज और ऋण उतारा करते थे। बाबूजी दो भाई थे जी, एक बचपन में एक्सपायर हो गए जी, वही खेती थी हमारे पास छोटी, थोड़ा सा 20 बीघा जमीन रही होगी, खेती बाबूजी खुद करते थे जी, बाबूजी ने बहुत, मैंने भी किया बाबूजी ने भी किया। अच्छा। दो बैल हुआ करते थे जो मैंने लोक सभा में बताया था जी, जी। जब छोटा बेटा मेरे बाबा का एक्सपायर हुआ जी, तो बाबा रोए नहीं थे, जिस दिन बैल मरा था एक, उस दिन बाबूजी बाबा बहुत रोए थे, ये कहा था मेरा कमाऊ पूत आज चला गया, ये भी मेरा बेटा था, किसान का दर्द ये होता है जो भाषण देते ना लोकसभा में जी, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है, गरीबी क्या होती है, किसान क्या होता है, गांव क्या होता है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है। मैं अभी किसी, मैं नाम नहीं खोलूँगा, मैं जी, एक विपक्षी हमारे साथी थे उनके घर पर गया था जी, आलिशान नाम का ड्रॉइंग रूम था, जैसे कृष्ण भगवान की जी तस्वीर लगी है जी, ऐसे उनके एक एक प्रिंट हाथ से प्रिंट करने वाली एक तस्वीर लगी थी, हैंडीक्राफ्ट ऑल पेंट वाली जो होती है, हाथ से वाली बनाने वाली, उसका जो दृश्य था जी, जो जमीन थी वो पूरी खेत में बैठा है वो जी, वो पानी नहीं होता है तो सूखा पड़ती है तो दरारें सी हो जाती है जमीन में जी 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 जी, है ना, देखा होगा आपने, फट रही है जैसे जमीन फटी फटी हो जाती है सूखे से, तो वो बैठा है, कपड़े फटे हैं, सिर पे एक अंगोछा बंधा हुआ है, बनियान फटी है और लंगोटी में बैठा है और ऐसे देख रहा है यूं बारिश को, यूं देख रहा है बादल को, बारिश को जी। ये सीन था उसका जी, तो शायद ये कह रहा होगा हे प्रभु दया करो, बारिश करो तो हमें अपना कुछ खाने पीने को अनाज पैदा करेंगे, और वही लोग लोकसभा में किसानों के लिए भाषण दे रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में बोला था जी, ये तस्वीर का मतलब क्या है, ये तुम्हारी शो है जी, ये शो ही तो है तुम्हारी किसान के लिए दिखाने का, क्या क्या औचित्य है जी, इसका औचित्य क्या है, माने किसान का इससे ज्यादा भद्दा और बुरा इस्तेमाल मजाक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मजाक नहीं हो सकता, खुद आलीशान उसमें रहे और मैं उस स्थिति में से मैं आया हूँ, निकल के आया हूँ, मेरे सामने मेरे पिताजी ने अनाज उधार ले लेके खाया है, अनाज उधार ले लेके खाया है, मुझे होश है तब का, गरीबी की मेरी उम्र इस समय 63 साल है, इतना भी नहीं होता था कि हम परचेज कर लें, हम गांव से चल के पगडंडी से चल के खेत से चल के हमने यहाँ तक अपना मुकाम अपनी मेहनत से बनाया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान बाबूजी का रहा है, बाबूजी का ये आशीर्वाद है आपके। और देखिए बाबूजी सफेद कपड़ों के महात्मा थे जी, सफेद कपड़ों के महात्मा,
सोने चांदी डायमंड पैसा कोई मतलब नहीं, कभी उन्होंने कोई चीज़ नहीं पहनी। और उनकी जेब में अगर 1,000 रुपये हैं जी, तो सोचते थे मेरे जेब में पता नहीं कितना पैसा है, क्योंकि उन्होंने उधर से देखा है ना जो समय और कुछ नहीं था। और अगर आप एक गड्डी दे दो उनको बाबूजी, वो जी नोट 100 की किसी कितने 100 का नोट मान लीजिए जी, उसको गिन नहीं सकते हैं। गिनने से मतलब जैसे लोग ऐसे गिन देते हैं, ऐसे ऐसे गिन देते हैं, वो हर नोट को थूक लगा कैसे करते, 1, 2, 3, क्योंकि उन्होंने ऐसे करते तो चिपक तो नहीं रहा है, क्योंकि उन पैसा कभी गिना नहीं, इतना था ही नहीं, था भी नहीं, गिना भी नहीं कभी। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ जी, बाबूजी की आंख थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी तो बॉम्बे जा रहे थे जी, मैं अक्सर उनके साथ जाता था, मैं उस बात जा नहीं पा रहा था। हमने कहा बाबूजी कितने पैसे हैं, बोले बहुत पैसे हैं मेरे पास। मैंने ब्रीफकेस देखा, उसमें 3,000 रुपये। हम बाबूजी 3,000 रुपये आप बॉम्बे जा रहे हैं, बोले बेटा फ्लाइट फ्री है मेरी, MP थे जी, मुझे फ्लाइट फ्री है, कार्यकर्ता के यहाँ जाकर रहना है मुझे, डॉक्टर को फीस दे चुका, तंबाकू खाते थे, बोले तंबाकू कितना खाऊंगा 20 रुपये का मसाला जो होता है। हाँ, और जब वो लौट के फिर मैंने जो PS साथ गए थे उनको मैंने 50,000 रुपये अलग से दिए थे, बाबूजी को मत बताना। हाँ, कोई और जब लौट के आए थे तो मेरे ख्याल से शायद 80 या 90 रुपये खर्च हुए होंगे, बाकी सब बैग। काफी सादगी भरा जीवन था, इतनी सादगी, जो मिला सो पहना, होटल जो घर में बना, जो घर में बना वो खाया, कभी नहीं। होटल की कल्चर मेरी भी नहीं है, बावजूद तक होटल जाती नहीं थी कभी। भाई आपने बताया किसी न किसी कार्यकर्ता कार्यकर्ता के घर रुक रहे हैं, क्योंकि जिस पे किसी चीज की कमी ना हो और वो होटल छोड़ के किसी कार्यकर्ता के, वो कल्चर नहीं है हम लोगों की, होटल की मेरी भी नहीं है सर। कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में अब आप भी बहुत सक्रिय और एक उच्च स्थान के लीडर हैं, उच्च स्थान के लीडर हैं, तो सर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं प्रेशर रहता था राजनीति में कि पिताजी 3 बार के CM और बाबूजी जैसे, बाबूजी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए अपने टाइम पे जो आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके नाम से काम करते हैं, तो सर आपके राजनीतिक जीवन पर उस पर कुछ प्रेशर रहा आप पे कि मैं राजनीति में हूँ, बाबूजी का नाम जुड़ा हुआ है, तो सर ऐसा कुछ रहा आपके साथ कि बहुत नॉर्मल अपना जैसा चला वैसे चलता रहा? देखिए ऐसा नहीं है जी, चूँकि मैंने जब से होश संभाला तब से राजनीति मैंने जी देखी जी, लोगों की सेवा करते हुए देखा जी, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए देखा जी, तो ऐसा लगता था कि कभी ऐसा मैं भी बन पाऊंगा कि नहीं, तो वो एक जिज्ञासा रहती थी वो काम करने की। और बाबूजी के कुशल मार्गदर्शन में मुझे मौका भी मिला और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं एक अच्छा बेटा साबित हुआ हूँ। राजनीति में भी मैंने कोई ना कोई मकाम हासिल किया है जी, बिल्कुल। और देखिए मेरे 7 लाख फॉलोवर हैं इस समय, 7 लाख फॉलोवर, 7 लाख फॉलोवर्स हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा युवाओं की आपके प्रति बहुत बहुत यस, और मुझे इतना स्नेह मिलता है लोगों का, इतना स्नेह मिलता है कि सच में यही मेरी पूंजी है। सर कोई नाराज हो जाए आपसे, मैं एक वैसी बात मना लेता हूँ, मैं भी नाराज हो जाता हूँ, मैं भी होता हूँ, मैं भी होता हूँ, लेकिन मेरे लोग ये सब जानते हैं कि मैं जितनी देर नाराज हूँ उसके अगले 2-3 मिनट में मैं नॉर्मल हो जाऊँगा और कोई चीज़ नहीं रही कैसी, वो जानते हैं इस बात को भी, तो कहीं ना कहीं बराबर चलता है। घर नेचर को जानते हैं, सब नेचर को जानते हैं। मेरे यहाँ तो एक मैं नाम नहीं खोलूंगा जी जी, एक लीडर ऐसे थे जी, जब तक वो उल्टी सी 20-30 गाली नहीं बक दे जी तब तक बात नहीं करते थे वो, और इतना पसंद करते थे उनको लोग जिसका ठीक नहीं, वो जिसको ज्यादा बक रहा समझ लो कि वो उसका उतना ही निकट है। एक ऐसी फेमस जोड़ा प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम में भी हो जाता है गुस्सा वाला भाव। सही सर, अगर मैं बात करूँ आज कि आज चलो आप राजनीतिक जीवन में हैं,
अगर सर ऐसा कभी हुआ है कि आपका मन कहे कि मेरे को राजनीति अब तक करते आए हैं, अब राजनीति नहीं करनी, कुछ और करना है, तो सर आप क्या करते हैं आज? देखिए, राजनीति नहीं भी करेंगे जी, या कुछ और भी करेंगे जी, कोई दुकान खोल लेंगे, ज़्यादा छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई इतनी पूंजी है नहीं कि हम कोई कंपनियां खोल दें और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना दें, दुकान खोल लेंगे ज़्यादा। लेकिन जो लोग पिछले 40 साल से जुड़े हैं, तीन तीन चार चार पीढ़ियां हमारे साथ हैं, तीन तीन चार चार पीढ़ियां, तीन पीढ़ियां तो मेरे साथ भी हैं, आज भी हैं, उनके सामने कोई समस्या आएगी, समाधान तो तभी हमें करना है। एक MLA या एक MP चुनने के बाद वो कितनी किसी की सुनेगा नहीं पता, हो सकता हमसे भी अच्छा करे, ये भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी आएगा तो पहले हमारे पास ना जी, बिल्कुल, क्योंकि मेरी तीन पीढ़ियां खुद की, मेरी खुद की तीन पीढ़ियां जी पब्लिक के लिए समर्पित है, जनता के लिए समर्पित है, जीवन ही पूरा। दूसरा, एक प्रधान या एक MLA या एक MP दूसरी बार जीत के आना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई जीता होगा 50,000 से, तो फिर आएगा 15,000 से या 20,000 जीतेगा, 30,000 का डिफरेंस डाउन हो जाएगा उसका, और थोड़ा हो जाता है ना। देखिए, ये सामने आप देख, अच्छा वो उतार दिया तस्वीर हमने, यहाँ बाहर लगी है वो जी, बाहर लगी है। 62 से बाबूजी पॉलिटिक्स में है, 62 दो चुनाव हारे हैं, 62 का हारे थे, एक हारे थे 80 का चुनाव जो सब साफ हो गया था, हाँ। कांग्रेस 80 में जी बाबूजी रहे 12 बार मैं तो पहली बार, दो बार MP रहे जी। दो बार MP रहे, मेरी पत्नी दो बार विधायक रही जी, मेरे बेटे अब दूसरी बार विधायक हैं जी, वही कांस्टिट्यूएंसी है, वही कांस्टिट्यूएंसी, यस सर, उस कोई इतिहास है। और देखिए, एक इतिहास और है हमारा जी, पब्लिक के आशीर्वाद से, पिता पुत्र तो असेंबली में बहुत बैठे हैं जी जी बिल्कुल, पत्नी और हस्बैंड भी बहुत बैठे हैं जी, लेकिन पति पत्नी और बेटा और फादर तीनों कोई नहीं बैठा अलग टर्न में, हम लोग बैठे हैं सर। कभी इतना ज़्यादा स्नेह है आपकी, जैसे आपने बताया एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से तीन पीढ़ियां, और अभी तक वो सीट भी आप ही की है जी। तो सर 50,000 से मेरे बेटे अभी भी जीत के आए हैं, हाँ देखो पता चला, अब 232,000 से मैं भी जीत के आया हूँ। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ मतभेद हो जाता है लोगों को कि एक ही रहता है, तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को, लोगों को, कि आज भी उतना ही प्रेम है और आपको वो छोड़ना ही नहीं चाहते? ऊपर वाला कार्यकर्ताओं का प्यार इसने जी यही लेके आता है, आप हम व्यवहार अच्छा, कोई तो क्वालिटी होगी, चुनाव जीत रहे हैं कोई तो होगी, छोटी मोटी कुछ तो कोई नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही होगी 16 बार, मैं तो छोटी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो प्लस पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा सर। पब्लिक ऐसे बर्दाश्त नहीं करती है, पब्लिक है ये सब जानती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, रिपीटेशन नहीं होता है, 16 बार हो रहा है, 16 बार बहुत बड़ी बात है सर। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ूंगा सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लोग हैं और जो राजनीति में आपके साथ भी, आपके सामने भी बहुत लोग सक्रिय हो रहे होंगे और जो काम कर रहे हैं संगठन के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति को, अपने राजनीतिक जीवन को किस रूप में इंसान को लेना चाहिए या ढालना चाहिए, इस पे सर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब से होश संभाला है तब से अब तक जी मैं एक चीज़ समझाऊँ, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी, ये क्षणिक मात्र के लिए होती हैं। क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, एक टेम्परेरी फेज था, अभी सक्रिय हैं और कुछ मिट भी गए जी, कुछ जी, मिट भी गए, हाँ, बहुत से सपा छोड़ के हैं, बसपा छोड़ के हैं, कांग्रेस छोड़ के हैं, लोकदल छोड़ के हैं, TMC छोड़ के हैं, तेलुगु छोड़ के, सबको छोड़ के लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं, हाँ
और इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि फर्स्ट चॉइस हो गई, भाजपा के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है जी। और विकल्प में कोई मजबूरी नहीं है, उन्होंने ये देख लिया कि जितना भी विकास और निष्पक्ष सरकार हमने दी है जी, कोई 60 साल में कोई दे नहीं पाया है, कोई नहीं दे पाया है। मेरे यहाँ भी दो लोग बैठे हैं, इनमें हैं, हमेशा विरोध में रहे, और इस बार हमारे साथ पिछले चुनाव में जो विधायक का हुआ, हमने पूछा यार तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा हमारे अपोजिट रहता था, विरोध में। देखिए मतभेद हो सकता है जी, मन भेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्रेम तो। और जितने भी अपोजिट के लोग हैं, आप देखिए एक उदाहरण देंगे, कभी जाके पूछेंगे मेरे यहाँ जाके, मेरे संबंध मेरे अपने विरोधियों से भी अच्छे हैं, वोट देना नहीं देना उनकी विचारधारा है वो जाने, बहुत कम, लेकिन व्यक्तिगत संबंध मेरे कभी भी किसी से खराब नहीं हुए हैं, किसी से भी नहीं। मायावती के पत्र संबंध है मेरे, मुलायम सिंह के बहुत अच्छे संबंध है मेरे, जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं उनसे अच्छे संबंध है मेरे, और भैया के सामने जो लड़ते हैं उनसे अच्छे संबंध है मेरे। आपके बारे में कोई मन से आप ही का अपोजिशन का कैंडिडेट अगर कुछ बुरा बोल रहा है तो सर कहीं ना कहीं मन में तो लगती होगी ना कि ये मेरे बारे में दो बातें गलत कह रहा है, मुझे भी कर देनी चाहिए। उसका सोच है अपना, उसकी मानसिकता है ये। आपने कभी इस चीज को अपना प्रायोरिटी? नहीं नहीं, उनकी मानसिकता बड़ी चीज है, उनकी मानसिकता है। जो बोल दिया हमें नहीं कहना, पब्लिक सब पहचान लिया है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं उसको और कटाक्ष करूंगा, फिर मुझे कटाक्ष कराएगा, फिर वो कटाक्ष कराएगा, फिर मैं करूंगा, तो मेरे पास तो और सारे काम है, क्या मेरे पास यही काम रह गया? मैं काहे को अपने ऊपर हेड एक मोल लूं? सही बात, तना कह दिया ठीक है भैया, बात खत्म हो गई। और देखिए एक चीज और जी, मैं नाम नहीं खोलूंगा जी, अच्छा मैं खोल भी देता हूँ, चलिए बताइए बताइए सर, अब तो और सुनने का। एक एटा में यादव जी हैं जी, शास्त्री जी कहते हैं उनको। अच्छा। उन्होंने बहुत गंदी टिप्पणी मेरे बारे में कर दी, व्हाट्सएप पर डाल दिया, अपने फेसबुक डाल दिया जी। मैंने उनके आंसर में ऐसा सिंबल करके छोड़ दिया। अच्छा, आपने रिप्लाई किया? कुछ नहीं किया मैंने, हाँ मैं ऐसे करके मैंने, अच्छा व्हाट्सएप पे। तीसरे दिन फोन आया उनका जी, आपसे मिलना है और माफ़ी मांगनी है। हमने यार तुमने क्या ऐसा क्या कह दिया? बोले नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, आपके आंसर ने मुझे झकझोर दिया है। मैंने तो कोई आंसर नहीं दिया तुम्हें, वो यही दिया था ना, मैंने खाली एक सिंबल भेज दिया अपना, मैंने नम्रतापूर्वक जैसे वो सिंबल होते हैं मैंने ऐसे भेज दिया। भाई साहब वो एज में ही बड़े थे मुझसे, आपने मैं आ रहा हूँ, फिर मैं उनके पिताजी के आश्रम में गया जी। वो आदमी कितना ब्लाइंडली है मेरा, जिसका ठीक नहीं, ब्लाइंडली हो गया मेरा सपोर्टर। तो एक तो ये तरीका है, एक तरीका है वो देना है, उसके हम चार कदम बढ़ के उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं, वहाँ कटुता पैदा हो रही है जी। जी बिल्कुल, कटुता पैदा हो रही है और दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है। वो आदमी टूट के आएगा जो एटा में यादव कम मात्रा में हमारे साथ होते हैं, जो कि वहाँ यादव कैंडिडेट होता है। यादव मुलायम सिंह जी को, मुलायम सिंह जी के परिवार को जी अपना लीडर मानते हैं, प्रायोरिटी में, उनका आदमी टूट के हमारे साथ आ रहा है, खाली ये बड़ी बात, केवल इतनी बात है बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ये भी अपने अंदर की चीजें होती हैं, कोई कोई हर किसी को लुभा पाता है या उसकी बात समझ पाता है। सर अभी आपने जी, हम बोले 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 सर, अभी आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया कि आपने रिप्लाई किया, तो सर आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो बहुत मतलब सर बहुत ज़्यादा नहीं होता हूँ इस पर, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप क्या क्या यूज़ करते हैं? मैं बहुत चीज़ें जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं अपना पेज खुद चलाता हूँ फेसबुक का, यस, और व्हाट्सएप पे जो भी लोग मॉर्निंग वार्निंग करते हैं जी, या कुछ कुछ बात नहीं हो पा रही है, कुछ मैसेज लिख दिया तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ जी। इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं, आपका तो भरा रहता होगा सर, इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ। और अभी ख़त्म होने दीजिएगा प्रोग्राम जी, मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, लोग कितना लाइक करते हैं मुझे यार। चलो ये भी सर, मैं कभी मेरी आदत है कुछ बोलना उल्टा सीधा बोलना जी जी,
कुछ नहीं, उन पर कोई असर नहीं है, वो जानते हैं भैया तो ऐसी 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 कर देते हैं। आप धन्यवाद, धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए, लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन और उसकी पूरी टीम, थैंक यू आपका, धन्यवाद आप सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।